तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक पावर बैंक बनाएंगे। तो ये पावर बैंक मैं आपको वो 70 से 80 रुपये के अंदर अंदर बना के दिखाऊंगा। तो इसके लिए मैंने लिया है एक ऐसा पावर बैंक का मॉड्यूल, और मेरे पास ऐसे दो, आप ये भी उपयोग में ले सकते हो और ये भी। इसमें मैं मुझे एक फ़ायदा लगा, इसमें दो और चार्ज के लिए पिन से, इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने इसके साइज़ के करीब अकॉर्डिंग कट करके इधर मैं लगा लिया हूँ, और आपको इसको ग्लू गन से अच्छे से चिपका लेना है। आपको इंस्टेंट ग्लू से नहीं चिपकाना है, अगर आप चिपकाए तो थोड़ा थोड़ा ही लेकर चिपकाना है, लेकिन ग्लू गन तो आपको लगानी है। और अब हम इधर पीछे की साइड में भी अच्छे से ग्लू गन भर देंगे। आप देख सकते हो कि इस प्रकार से हमें इसके अंदर ग्लू गन भरनी है, जैसे कि मैं भर रहा हूँ। और अब मैंने ये जो USB पिन इसलिए लगाई है क्योंकि अगर ये निकल जाए इसलिए अच्छे से रहे, ये निकले ना। और ये हमारा पावर बैंक मॉड्यूल का आगे यूज जो था वो हमने अच्छे से बना लिया है। पावर बैंक का पावर बैंक मॉड्यूल को हमने फिक्स कर लिया है, और अब इधर हमें जो फिनिशिंग अच्छे से दे देनी है अपने हाथ से, और एक्स्ट्रा जो काम है इसको हटा लेना है। और अब इसको हम हल्की, तो हम इसके अंदर ऐसे थोड़ा सा हमें ऐसी, मैंने मेटल की शीट ली है, इसके ऊपर एक ड्रॉप मैंने इंस्टेंट ग्लू की डाली है। अब आपको कोई भी ऐसी चीज़ लेकर आपको अच्छे से इसके ऊपर पावर बैंक मॉड्यूल के साथ आपको ऐसे आपको अच्छे से लगा लेना है। तो अब हम बनाएंगे PVC पाइप के जो पावर बैंक मॉड्यूल की बॉडी है वो। तो इसके लिए मैंने लिए कुछ PVC पाइप की शीट्स। अगर आपकी आप लोगों की कमेंट आई तो मैं आपको PVC पाइप की शीट कैसे बनाते हैं इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो अब ऐसे हमें इसको बॉक्स टाइप का बना लेना है इंस्टेंट ग्लू की हेल्प से। तो मैं जल्दी से बना लेता हूँ ताकि वीडियो फास्ट फॉरवर्ड लंबी ना हो। तो फ्रेंड्स, हमने ये सब बॉक्स बना लिया है, और मैंने यहाँ पर 4 होल किए हैं ताकि हम जो इंडिकेटर देख सके पावर बैंक का। ये मैंने पुराने पावर बैंक से निकाला है, ये आपको अगर फिक्स आपके लिए आए तो आपको लगा लेना है, नहीं तो आपको नहीं लगाने का है। मैं इसको फ़िलहाल नहीं लगा रहा हूँ। अब हमको ये जो USB सॉकेट है इसके ऊपर भी हमें इधर होल कर लिया है, और इधर हमें इसको फिक्स कर देना है। मैं इसके लिए ग्लू गन से हेल्प कर रहा हूँ। अब हमने इसके अंदर ऐसे लगा तो लिया है, और अब हमें इधर अच्छे से ग्लू गन भर देनी है। ग्लू गन भरने में आपको कोई भी कंजूसी नहीं करनी है, वरना ये आप जैसे ही चार्ज पे लगाएंगे ये पूरा उखड़ के बाहर आ जाएगा। आपको स्विच में भी थोड़ी ग्लू गन भर देनी है, आप अच्छे से आपको सूखने भी देना है। ऐसा नहीं कि जैसे लगा लिया और जल्दी से आपको आपने निकाल दिया, तो थोड़ी देर पकड़ रखना है, या फिर आप रबर बैंड का भी उपयोग कर सकते हो। और अब ये जो दोनों टर्मिनल है यहाँ पर हमें सोल्डरिंग कर देनी है। मैं जल्दी से इधर सोल्डरिंग कर देता हूँ, दोनों टर्मिनल में आपको अच्छे से सोल्डरिंग करनी है। और मैं अब ये ले रहा हूँ एक ऐसी बैटरी, ये बैटरी मैंने पुरानी पावर बैंक से निकाली है, जो कि पावर बैंक ख़राब हो जाते हैं, मैं मार्केट से लेके आया हूँ, 20 रुपये में ये मुझे मिली है। और ये पावर बैंक का मॉड्यूल भी मुझे सस्ता में मिला है। मैं जो पुराने जो मोबाइल रिपेयरिंग एवं पावर रिपेयरिंग इनकी शॉप से मैं इन सब को लेके आया हूँ। आप
मैं आपको एक चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिनका नाम है जगनाराम चौधरी। वो ऐसे ही बजने के वीडियोस डालते रहते हैं, आप जरूर से उन्हें उनके चैनल पर विजिट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने 8000 mAh का मोबाइल की बैटरी से पावर बैंक बनाया था, उसका वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाकर आप ये वीडियो देख सकते हो। तो अब ये हमारा पावर बैंक रेडी है, दोनों वायर हो चुकी है। इधर हमें ऐसे उंगली से ये डालकर करने हैं और ऐसे हमें ये LED इंडिकेटर दिखाई देगा। तो अब इसको हमें ढकना है, इसके लिए मैं ले रहा हूँ एक PVC की पाइप की सीट। ये मैंने PVC पाइप से मैंने बनाई है। आपकी कमेंट आई तो मैं आपको PVC की पाइप शीट कैसे बनाते हैं ये भी दिखा दूंगा। तो मैंने इसको चिपका लिया है। तो इधर हम जैसे भी ऑन करेंगे इसमें LED ग्लो करने लगेगी, इसका मतलब कि इसमें 3% चार्ज है ये पावर बैंक। और अब मैं इसको USB आपको टेस्टिंग करवा देता हूँ। तो मैंने लिए USB इसके अंदर लगा लिए और अब मैं ये मोबाइल में ये जैसे लगाऊंगा ये मोबाइल ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। आप देख सकती हो, मैं आपको इसकी रोशनी ज़्यादा करके दिखा देता हूँ। तो रोशनी में कर लेता हूँ फुल और अब आप देख सकते हो कि ये चार्ज हो रहा है, 91 है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ये चार्ज हो रहा है, सब्सक्राइब जरूर।